26/11 के मुंबई धमाकों के गुनहगार डेविड कॉलमन हेडली के खुलासे का दौर अब भारत पर असर करने लगा है। हेडली के जरिए भारत पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ जंग में सबूत इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन हेडली के खुलासे देश में ही सियासत का मुद्दा बन रहे हैं। लश्कर का ट्रेंड कुरका रहा हेडली फिलहाल अमेरिका की शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उसने साल 2004 में अहमदाबाद में हुए एनकाउंटर में मारी गई लड़की इशरत जहां को लश्कर ए तैयबा की सुसाइड बॉम्बर बनाया। 19 साल की इशरत और उसके 3 साथियों का 15 जून 2004 को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर पर गुजरात पुलिस का दावा था कि इशरत और उसके 3 साथी गुजरात के पूर्व CM और आपके PM नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने अहमदाबाद आए थे। बाद में गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई SIT ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। कोर्ट के ऑर्डर पर CBI ने इस एनकाउंटर की जांच शुरू की। जांच में कई सीनियर पुलिस अफसर गिरफ्तार किए गए। इस एनकाउंटर को लेकर देश में बड़ा विवाद छिड़ा था। BJP इसे सही तो कांग्रेस समेत कुछ दूसरी पार्टियां इसे फर्जी बता रही थी। तभी भी यही कहा गया था कि इशरत लश्कर के फियादीन दस्ते में शामिल थी। अब हेडली की इशरत पर खुलासे से गुजरात पुलिस और केंद्र के रुख की पुष्टि हुई है, लेकिन उस दौर में CBI की जांच पर सवाल भी खड़े होते हैं। 2013 में CBI ने अपनी चार्जशीट में इशरत जहां को एक तरह से बेगुनाह बताते हुए उसे केवल कॉलेज स्टूडेंट बताया था और पूरी साजिश गुजरात पुलिस और IB की मिलीभगत बताई थी। वहीं IB ने CBI की थ्योरी को खारिज करते हुए पूछा था कि मुंबई की स्टूडेंट हथियारों के साथ अहमदाबाद क्यों पहुंची और उसे लश्कर आतंकी बताया था। खुफिया एजेंसियों के अलग अलग दावों से लगता है कि क्या जांच एजेंसियों की रिपोर्ट सरकारें तय किया करती है या फिर सरकार को 55 साल के दाऊद किलानी और हेडली के गवाही पर यकीन करना चाहिए, जिसने इशरत जहां एनकाउंटर जैसे बड़े खुलासों के साथ मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान का हाथ और हमले से पहले भी भारत पर दो बार हमले की कोशिश की बात कही। हेडली की गवाही पर वकीलों की बात भी गौर करने वाली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने कहा कि अगर हेडली ने झूठी बातें कही तो अमेरिका से उसे फांसी की सजा दिलवाने की मांग करूंगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने सरकारी वकील उज्जवल निकम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि हेडली की मेमोरी वैसे तो बहुत शार्प है, लेकिन उसने इशरत का नाम नहीं लिया। इसके बाद निकम ने उसे 3 नाम दिए तो उसने इशरत का नाम लिया। निकम ने हेडली के मुंह में अपने शब्द डाले हैं। दूसरी ओर बात पॉलिटिकल एंगल की करें तो BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुछ लोगों ने इशरत को बेटी बताया था, अब उन्हें इस मामले पर जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हेडली क्या कहने वाला है। हैरान हूँ उन्हें कैसे पता चला। देश में हेडली ने नई सियासत छेड़ दी है और पाकिस्तान पर लगे आरोपों का अहम गवाह बन चुका है, पर पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। आज की बहस में हेडली के खुलासों पर बात होगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या डेविड हेडली के बयानों पर यकीन किया जाना चाहिए। firstindianews.com हमारा वेब पेज एड्रेस है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले सुनील शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगा, अगर UPA का राज आया तो अगली बार ये हो कि इशरत जहां बेगुनाह थी, क्या ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है? नहीं, देखिए बात एक है कि अगर इशरत जहां की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे उस ऐतिहासिक उस पस मंजर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो उस दिन से जिस दिन से ये एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, उस दिन से जो लगातार जो ये वाकियात हैं वो अपनी कहानी खुद कहते हैं। पहली बात है कि जिस इशरत जहां की बात की जा रही है उसके खिलाफ कोई मुंबई में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड की कोई हिस्ट्री नहीं थी, और सच्ची बात है कि अहमदाबाद की पुलिस उसको 12 जून को उठाती है, मुंबई से उठाती है और उसको उठा के और 14 जून की रात को ही उसका उसकी हत्या कर दी जाती है।
और उसके बाद 15 जून को परखा जाता है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो रिगार मोर्टिस जिसको हम कहते हैं कि बॉडी जो अकड़ती है, वो रिगार मोर्टिस उसका रात को 11 बजे का है और सुबह लाश रखी जाती है। तो ये बात है। और SP तमांग जो उस जमाने अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट थे, आप उनकी पूरी उस रिपोर्ट को पढ़िए। उस रिपोर्ट को पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह खुलासा हो जाएगा कि आप एक फेक एनकाउंटर करते हैं, आप एक्स्ट्रा जुडिशियल आप मर्डर्स करते हैं। अगर वो थी LET ऑपरेटिव तो आप उसको कोर्ट का लॉ के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ना। आप 12 तारीख को किसी का अपहरण करते हैं, किसी का आप उस किसी को उठाते हैं, आप 14 तारीख की रात को उसको 11 बजे उसका मर्डर कर देते हैं और सुबह उसकी लाश आप लाके रखते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं और कहूंगा अश्विनी, कि उन दिनों बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, एक नहीं ढेरों एनकाउंटर्स हुए, और सब एनकाउंटर्स के अंदर कुछ चीजें कॉमनलिटीज है, कुछ चीजें सिमिलरिटीज है। पहली बात, हर एनकाउंटर सुबह मॉर्निंग के अंदर किया गया है, ये उस टाइम किया गया है, सुबह लगा 3 से लेके और 4 बजे के बीच में किया गया। हर बार एनकाउंटर ही किया गया है। जैसे अहमदाबाद आने वाला हर जो टेररिस्ट आउटफिट है वो केवल एक ही टाइम देता है। दूसरी बात है, उन सब के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उनमें रिगार जो मोर्टिस है उसका जो बॉडी की जो अकड़ है वो आपको पहले वाले दिन की मिलती है। हर एनकाउंटर के अंदर सब में कुछ कॉमनलिटीज है, एक एविडेंस नहीं है, एक प्रॉपर एविडेंस नहीं। इशरत जहां वाले मामले के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर न कोई FIR दर्ज की गई, न कुछ और किया गया, और केवल SP तमांग जो मेट्रोपॉलिटन, मैं आपकी बातों को छोटे में समझूं तो हेडली पर फिलहाल यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं, बात एक है कि आप हेडली पे यकीन कर रहे हैं, अपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पर यकीन नहीं कर रहे। आप हेडली पे यकीन कर रहे हैं, अपने द्वारा बनाए गए SIT को किस पर यकीन करना चाहिए, नहीं कर रहे। आप बता दीजिए कि क्या हेडली में कुछ बातें बोले लगे। हमें उन पे यकीन करना चाहिए जो हमारे IPS ऑफिसर हैं, जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जुडिशियल जो विंग है उनके ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए, बजाय कि आप एक टेररिस्ट के ऊपर। लक्ष्मीकांत जी, फिर क्या वजह है कि शाहनवाज हुसैन या फिर गिरिराज सिंह जैसे लोगों को फिर से मौका मिल गया है आरोप लगाने का? देखिए, हेडली ने कोई नई बात कही ऐसा नहीं है। 15 जून 2004 को यह एनकाउंटर हुआ और उसके दूसरे दिन से गला फाड़ फाड़ कर लश्करे तोयबा कह रहा है कि जैसे इस जहां हमारी फरियादीन थी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि इस देश में जो सरकारें उस दौरान बैठी, उन्होंने वोट बैंक के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश की क्षमता के साथ, इस देश की किसी भी तरह की अखंडता के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया, जो घृणित ही नहीं बल्कि पाप क्रम जैसा क्रम है। एक आतंकी जो इस देश के चुने हुए इस प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को मारने के लिए सुनियोजित तरीके से एक अपने साथियों के साथ आई, उसका जान पर खेलकर जिन अधिकारियों ने एनकाउंटर किया उनको इनके घृणित कामों की वजह से जेल में सजा भुगतनी पड़ी। आप ये कह रहे हैं कि हेडली की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हेडली की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए तो आपकी सरकार 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ तब से लेकर हेडली को अपराध मान रही हैं और अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रही हैं कि इस अपराधी की गवाही करानी चाहिए। क्यों? अगर आपको लगता है कि हेडली झूठ बोल रहा है तो कि उसके गवाही के लिए किस लिए प्रार्थना पत्र अमेरिका के सामने दे रहे थे? जिन सबूतों की बात सुनील जी ने की उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ IPS ऑफिसर्स के लिए रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया, कोर्ट की SIT का जिक्र किया गया, उसका मजिस्ट्रेट का जिक्र किया मैंने। देखिए, ये इसी से साफ हो रहा है कि IPS अफसर दोनों हैं। IPS अफसर CBI में काम करने वाला भी है और IPS अफसर वो भी है जिसको आपने घृणित कामों के कारण जेल में उठाकर बंद कर दिया। और SIT का ऑफिसर अहमदाबाद के ही थे, गुजरात सरकार के। 15 जून 2004 का एनकाउंटर है जिसको ये फर्जी कह रहे हैं। 15 जून 2004 का एनकाउंटर है, 15 जून तक इनकी सरकार रही 2014 तक। 10 साल में आप एक भी एविडेंस कोर्ट के सामने ऐसा नहीं सिद्ध कर पाए जिससे वो जेल में बंद जो आप अधिकारी हैं उनको आप गलत साबित कर सके। केवल वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का सुनील जी क्या है? मैं माजरा क्या समझूं? ये कांग्रेस की फितरत है। हेडली ने आप दोनों का गेम समझ लिया है। अश्विनी, मेरी बात एक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि ये जो पूरा देश है इसमें विधि का शासन है। अगर कोई आदमी LET ऑपरेटिव भी है, चलिए मान लिया जाए कि एक बार गई के लिए कि इस्टर जाए LET ऑपरेटिव थी, LET ऑपरेटिव थी, इसके बावजूद भी आप उसको, अगर वो आपने 12 तारीख को उसको गिरफ्तार कर लिया था तो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रोड्यूस करते, आप उसको बकायदा कोर्ट को आप कोर्ट से दरखास्त करते कि तो फांसी लगाई जाए, बजाय कि आप अगर लगातार देखिए जुडिशियल सेपरेशन का, देखिए आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप बोले डिस्टर्ब नहीं, आपको जो समय मिला बोलिए, आपको जो समय मिला बोलिए। देखिए लक्ष्मीकांत जी, अगर आप ऐसे करेंगे आप पूछिए पूछिए, आप मुझे बताइए कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि 12 जून को उसको अरेस्ट कर लिया गया था, आपकी CBI कोर्ट में इस बात को कैसे साबित नहीं कर पाई 10 साल में कि उसको 12 जून को अरेस्ट कर लिया था? और सुनिए
सुनिए, जिन अधिकारियों को, जाबाज अधिकारियों को आपने इस मामले में गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, और जो बाकी बार के लोग थे वो कई सारे लोग इसमें बरी हो गए। आप इसके लिए माफी मांगिए कि इस देश में जो जाबाज अधिकारी सच्चाई क्या है, मेरी बात सुनिए, जवाब पूरे आप एक एक चीज का लीजिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपको सबूत पेश नहीं किए गए, उनके सबूत पेश किए गए, उन सब लोगों को, सब लोग जेल में रहे और लगातार जेल में रहे। ये तो इनकी सरकार के आने के बाद जो इन्होंने मैन्युपुलेटिव गेम जो खेला है, उस मैन्युपुलेटिव गेम के बाद रिहा हुए, उस टाइम तक लगातार वो लोग जेल में रहे, एक एक सवाल भी यही था। अब आ जाइए मेरे पास, कांग्रेस राज में कुछ और सूरत हाल है। बात एक है जी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप कैसे आप नकार सकते हैं, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा रही है कि उसकी हत्या पहले की गई है और दूसरे दिन मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह जी, दोनों पक्ष आपने सुने, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक अधिकारी के तौर पर जांच आपने भी कई मामलों की होगी, इस मामले को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, हेडली के बयान को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? ऐसा अश्विनी जी, हेडली एक अपराधी है और उसको कानून की परिभाषा में सह अपराधी माना जाएगा, और सह अपराधी जो बयान दे रहा है, उन बयानों का जब तक पूरा तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं हो जाता है, जब तक उनका किसी तरह से समर्थन गवाह से या समर्थक एविडेंस से या तथ्य से उनकी पुष्टि नहीं हो जाती है जी। मैं समझता हूँ तब तक उस गवाही के बारे में विचार, मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए, और जब वो पूरी तरह से नकार दी जाए उसके बाद ये माना जा सकता है कि हेडली झूठा है, और अगर वो उसके पक्ष में इस तरह के तथ्य आ जाए तब उसके बयान को अपन सच मान सकते हैं। कुछ संभावना है जिनका जिक्र किया जा रहा है। हेडली कहता है उसको उज्जवल निकम तीन नाम याद दिलाते हैं, ऑप्शन मांगते हैं, और इशरत का नाम वो ले लेता है कि हाँ यही था, लखवी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक आतंकी लड़ाका अपना साथी मारा गया। नहीं, अब वो बात, सवाल क्या है कि जो पूरा कन्वर्सेशन है उस कन्वर्सेशन का पूरा विश्लेषण किया जाए, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो या कोर्ट उस पूरे जो भी बयान है उनका विश्लेषण करने के आधार पे कोई निर्णय निकाले, तब जाके उसके करोड़ी सिंह जी, क्या क्या विश्लेषण में क्या देखा जाना चाहिए? हेडली पर फिलहाल यकीन किया जा सकता है आज के सूरत हाल में? देखिए अश्विनी जी, हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है या आतंकवाद का समर्थक है, हम ऐसा नहीं मान सकते। फिर भी हर राजनीतिक दल का एक अपना उद्देश्य होता है, एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, कानून की एक प्रक्रिया होती है, दोनों प्रक्रियाओं में काफ़ी अंतर होता है। राजनीतिक प्रक्रिया अलग होती है, कानून की प्रक्रिया अलग होती है। तो ऐसी प्रक्रिया में अगर फेक एनकाउंटर है तो वो कानून के तरीके से, कानून उसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे कानून में, और कानून के से सब कुछ सामने आ जाएगा कि फेक एनकाउंटर है या नहीं है। क्योंकि अभी हेडली का एक सवाल हेडली इस खुलासे से है, करोड़ी सिंह जी, अगर ऐसा होता है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत पेश करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो भारत की आवाज है पाकिस्तान के खिलाफ, वो और बुलंद हो सकती है। 26/11 हिंदुस्तान के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा था, मैं हमले से ज्यादा इसको तमाचा कहना चाहूंगा इस वक्त, जिसने हर तरह से नकारा साबित किया उस वक्त के हालात को। देखिए अश्विनी जी, ऐसा है कि जो हेडली ने कहा है उसको अभी भी एसर्टेन तो करना पड़ेगा ना, जिस तरीके से उनके वकील ने जो बातें की हैं और वकील के अलावा जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि फेक एनकाउंटर था या नहीं था, क्या वो उसकी फिदायनी की सदस्य थी या नहीं थी। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि हेडली के बयान से हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएँ हैं। वो इसलिए कि हेडली ने जिस तरह से पाकिस्तान में ISI मिलिट्री और जैसे मोहम्मद, इनका जो एक नेक्सस रिवील किया है, उस नेक्सस से इंडिया ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म की बात भारत लंबे समय से कर रहा है, उसको बल मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 40 लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रीजनल और यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट सभी अफेक्टिव नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन नहीं है, और उसकी भारत लंबे समय से डिमांड कर रहा है, तो भारत चलिए मैं आपसे बातचीत का दौर जारी रखूंगा, ब्रेक के बाद आपके फिर चंद सवालों को लेकर आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का वक्त है, जितने ही बिकफट जारी रहेगा।